तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग खेल रहे हैं GTA 5। तो आज हम लोगों को कुछ तगड़ा सा मिशन मिलने वाला है, जिसके तहत हम लोगों को कुछ ऐसे मिशंस करने हैं जहां कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लोग हैं और कुछ ज़्यादा ही तगड़ा मिशन बना रहे हैं। तो देखते हैं कि ये क्या बोलता है, फिर आगे आप लोगों को बताता हूँ। I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink. And a wife who don't love you no more. Yeah. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. ओके, तो करना हम लोगों को ये है कि कहीं पे ऐसे कंप्यूटर्स की कुछ है तो वहाँ पे कोडिंग के लिए अपने को जाना है, और कोडिंग अपने को आती नहीं है, बट बोला है कि संभाल लेंगे। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसी के चक्कर में मारा जाऊं भाई। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि ये मिशन बर्बाद हो, क्योंकि मेरा बहुत सारा पैसा इसके ऊपर लगा हुआ है, और अगर मैंने इसको नहीं पार कर पाया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाऊँगा मैं। तो भाई अभी एंटीवायरस वहाँ पर इंस्टॉल करना है, उसी के साथ में कुछ और प्लान किया हुआ है। मेरे को लगता है कि ये बंदा ना कुछ तो ऐसा गड़बड़ कर रहा है, बट देखना ये है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो उसी के लिए फटाफट से चलते हैं, और पहले तो कपड़े चेंज करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ऐसी हालत में तो जा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले कपड़े चेंज करते हैं और फटाफट से वहाँ के लिए पहुँचते हैं। पहले तो देख लेता हूँ भाई, हाँ ये अच्छा सा कपड़ा है, इसी को बाई कर लेता हूँ। हाँ शायद ये सही रहेगा, देखता हूँ कि कौन सा लेना पड़ेगा। शायद से ये पिंक वाला ज़्यादा सही पड़ रहा है मेरे को, अभी ले लेते हैं इसको और निकलते हैं अपने मिशन की ओर। शायद मेरे को तो भाई ऐसा अंदर से एकदम धक धक हो रहा है, क्योंकि भाई मेरे को तो पहली बार कोड आता नहीं है, और कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी फ़ोन आ रहा है, देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, लेस्टर क्या बोल रहा है। शायद से अपने को वहाँ पे जाके कुछ ना ऐसे कुछ करना पड़ेगा जिससे उन लोगों को थोड़ा सा भी जरा सा भी शक ना हो, और अपना काम फटाफट से निकाल लें, और इसके बाद जो भी होगा तो वो लेस्टर संभाल लेगा, शायद संभाल ले, क्योंकि वह ऑलरेडी मेरे ऊपर इतने सारे चार्जेस लगे हुए हैं कि अगर इस बारी मैं जेल गया ना भाई तो मेरा तो गेम ओवर हो जाएगा, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। उसी के चक्कर में मेरा बहुत सारा लॉस भी हो चुका है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, और ये बंदा पता नहीं कौन है अपने को मिला है, शायद लेस्टर इसी को भेजा होगा कि शायद कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये बचा ले, और यहीं का ये एम्प्लॉय है तो ये अपने को आसानी से एंट्री अपनी करवा देगा, और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या है। ओके, मैं तेरी बात समझ गया। ओके, मेरे को कुछ ज़्यादा करना नहीं है, अपने को जल्दी जल्दी फटाफट से काम करके चुपचाप से निकल लेना है, और जितना जल्दी हो सके तो
क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा दिक्कत हुई ना तो फिर भाई साहब बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है। और मैं तो एकदम रेडी हूँ यार, एकदम बंदूक बंदूक लेके एकदम रेडी। जहाँ थोड़ा सा भी मेरे को डाउट होगा ना, एकदम धाए 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 एकदम सबकी खोपड़ियाँ खोलते चला जाऊँगा। अभी मेरे को कंप्यूटर दे दिया गया है और देखते हैं भाई साहब, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही अश्लील फोटोस फ्लैश हो रही हैं, इसलिए मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। ओके, अभी हम लोगों ने एंटीवायरस फाइनली इंस्टॉल कर दिया है और पूरा का पूरा कंप्यूटर एकदम क्लीन हो चुका है। और ये देखो भाई, ये कितना खुश हो रहा है। अभी मेरे को शायद कहीं बता रहा है कि अभी क्या करना है मेरे को। ओके ओके ओके, शायद मेरे को दूसरी साइड के लेफ्ट साइड पे जाना है। अब देखना पड़ेगा कि ये दरवाज़ा आखिर उसका है कहाँ। हाँ, ये मेन ऑफिस का ये जो बंदा है ना, जहाँ से कुछ तो ऑपरेट करने वाला है, ये शायद हम लोग ऑपरेट करने वाले हैं, पता नहीं। अभी हम लोग चुपके से आ चुके हैं इसके अंदर और फटाफट से इसके, अच्छा अच्छा फ़ोन में है, फ़ोन में कुछ सॉफ्टवेयर अपने को इंस्टॉल करना है। ओके, अपने को मिल चुका है। अरे सॉफ्टवेयर नहीं, पूरा हार्ड डिस्क ही एकदम साइड पे चिपका देना है। ओके ओके, फटाफट से करते हैं, निकलते हैं। ये भाई मैंने पैक कर दिया, अभी भाई साहब मैं निकल लेता हूँ फटाफट से, कहीं कोई देख न ले। बट हाँ अभी कोई नहीं देख रहा, मैं तो सुरक्षित हूँ। भाई भाग 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 जल्दी भाई, यहाँ से भाग भी नहीं सकता। भागूंगा तो इन लोगों को ज़रूर पक्का शक हो जाएगा कि ये कुछ ना गड़बड़ कर रहा है। अभी मैं हम लोग सेफली बाहर आ चुके हैं और निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके फटाफट से। अभी लेस्टर का कॉल आ रहा है, मैं उसको बता देता हूँ। भाई एकदम काम ओके हो चुका है अपना। भाई ये गाड़ी अच्छी लग रही है, पहले गाड़ी चुराते हैं भाई। मिशन चलता रहेगा, गाड़ी की चोरी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी इतनी तेज़ भागती है ना कि अभी कोई भी मिशन कर रहे हो, कितनी भी बढ़िया गाड़ी मिल जाए ना तो भाई आराम से चुरा सकते हो, क्योंकि यार भागने के लिए ना एकदम रास्ता बढ़िया है। तो अभी हम लोग फाइनली अपने घर पहुंच रहे हैं और इसने बता दिया है कि काम ओके हो चुका है, तुमने सही काम किया, बट थोड़ी सी कहीं पे मिस्टेक हुई है, बट वो संभाल लेगा लेस्टर। ओके, अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और यहाँ से देखते हैं कि आखिर ये करने को क्या बोला था। इसको मैं पार्किंग में पहले तो ले जाता हूँ, शायद अपनी हो जाए ये गाड़ी। चल 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 भाई, इसीलिए मैं गैराज खाली रखता हूँ भाई। कोई भी गाड़ी मिले एकदम फटाफट से चोरी करके लाओ और अपने गैराज पे रख लो। फटाफट से अंदर चलते हैं। अभी हम लोग, उन लोगों ने लेस्टर को कॉल किया, बताया कि घर पहुँच चुका हूँ, उसने टीवी देखने को बोला। अभी छुआते हैं रिमोट और देखते हैं कि क्या चल क्या रहा है आखिर। ओके ओके, हट जा हट जा हट जा यहाँ से, मेरा बहुत ज़रूरी काम है। चल 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 चल, निकल मेरे सामने हो सियारी। हाँ, तो अभी हम लोग देख रहे हैं टीवी और क्या फ्लैश हो रहा भाई। हाँ, कहीं तो कुछ सेमिनार लगा हुआ है और यहाँ पे ये बंदा कुछ तो बता रहा है। अभी देखना पड़ेगा कि ये बंदा है कौन और ये करना क्या, करने क्या वाला है। ओके, शायद से जब ये फ़ोन उठाएगा कॉल के लिए तभी कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। शायद कुछ लोग अटैक वटैक करें इसके ऊपर, शायद, पता नहीं। और ये तो तगड़ा भाषण दिए जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अपने को जो करना है तो अभी फ़िलहाल के लिए करते हैं जल्दी से, और जितना जल्दी हो सके अपना काम ख़त्म करते हैं। पहले तो यार ये बात कि ये बंदा इतनी सारी पब्लिक, मतलब ये बहुत बड़ा कोई आदमी लग रहा है जिसकी ऑफिस में हम लोग गए थे। ये भाई देखो कितनी ज़्यादा क्राउड है अभी शायद से। ओ भाई, ये तो गलत ही सारे कर रहा है। ओके, फ़ोन इसने उठा लिया है। अभी अपने को कुछ तो करना है, हाँ इसको कॉल करना है अपने को, और कॉल के बाद शायद कुछ गुंडे आए, शायद कुछ तो होने वाला है। ओके ओके, हम लोग कॉल करते हैं पहले तो इसको और देखते हैं क्या है। हाँ चल चल चल, उठा कॉल, उठा कॉल 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 कॉल, हाँ चल जल्दी फ़ोन लगा। ये देखो भाई, ये क्या हुआ भाई, इसने तो यार, लेस्टर ने तो पूरा कांड कर दिया यार। इसके तो कुछ ज़्यादा ही मिशन ऐसे खतरनाक वाले होते हैं, इसकी माइंड ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एकदम मनी हीस्ट वाला है ये। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी उसका गेम ओवर हो चुका है। तो गाइस, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी ये अपना मिशन पास हो चुका है और नेक्स्ट मिशन तो और ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। अभी हम लोगों को वहाँ पे जाके ट्रेवर को ढूंढना है नेक्स्ट मिशन में, और फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।